600 से कम मरीज होने पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने शासन के निर्देश पर जनपद को अनलॉक घोषित कर दिया है तथा कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। वहीं जनपद को अनलॉक की सूचना मिलने पर महानगर के दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई, जिसके संबंध में महानगर के दुकानदारों ने कहा कि 40 दिन के बाद दुकान खुली है लेकिन ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरा सीजन लॉकडाउन में चला गया जिससे बिक्री नहीं हो पाई। वहीं कुछ दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पूरा बिजनेस घाटे में जा रहा था, अब शासन ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है, इसके लिए हम सभी दुकानदार सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस संबंध में एडीएम सीजी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अनलॉक में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार दिलीप और संतोष शर्मा और एडीएम सीजी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, क्या था ग्रीन है, वाटर ग्रीन है, गाजरी है, एक और साड़ी है, बढ़िया हमें संतोष शर्मा कहते हैं। बस ये समझिए, हम लोग लॉकडाउन से कुछ ज़्यादा ही परेशान थे और बिजनेस तो एकदम लॉस में ही जा रहा था, जिसके वजह से हम लोग को आज छूट मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे कि हम लोग की बातों को उन्होंने अहमियत दी और आज दुकानें खोलने की इजाज़त दी, उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। दिलीप जी, आज हम लोग 40 दिन के बाद अपनी दुकानें खोले हैं और अभी तो आज तो लोगों को पता नहीं है कि लोगों को ये मालूम है कल से बाज़ार खुलेगी और पूरा सीजन हम लोगों का लॉकडाउन में ही ख़त्म हो गया। व्यापार किस तरह से चलेगा हम लोगों को आगे फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है। शासन के निर्देश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने आज एक आदेश जारी किया है जिसके तहत प्रातः 7 बजे से शाम को 7 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक के लिए लॉकडाउन खुला रहेगा, लेकिन इस लॉकडाउन खुले रहने के दौरान सभी लोग मास्क लगाकर रहेंगे, सोशल डिस्टेंस 2 मीटर का मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन को फॉलो करेंगे, सैनिटाइज़र नहीं भी है तो साबुन से हाथ 40 सेकंड तक धोएंगे और 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं होंगे क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। रात का कर्फ्यू शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगातार 7 दिन रहेगा और सैटरडे संडे में 24 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। केवल आवश्यक सुविधाएं जो भी खाद्यान्न की हैं, मेडिसिन की हैं, सैटरडे संडे को वो लागू रहेंगी।